हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए टाइम 8:06 हो गया है। मैं कुछ अभी एडिटिंग भी कर रही थी मोबाइल में, जैसे कि वीडियो मैंने लॉन्ग वीडियो का एडिटिंग चल रही थी। और आज मेरा पता नहीं अजीब अजीब सब हो रहा है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मेरा जी मचला रहा है। और यहाँ गैस ही पेट में है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अभी मैंने नहाया नहीं है और मैं ऐसे ही बैठी हूँ, अब नहाने चल रही हूँ। देखिए सारा काम करना पड़ता है, ऊपर से नीचे तक सब जगह करते करते एकदम जी बहुत मतलब अंदर से एकदम मन घबरा जैसा रहा है। और कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है मुझे। बस ऐसा लगा कि मैं एडिटिंग करके थोड़ी आप लोगों से बात कर लूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बस आप सब लोग बताइए, आप लोग सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, अच्छे ही रहना चाहिए। मैं भी ठीक ही हूँ। और आप लोगों का चाय आए तो हो गई होगी, चाय वाय तो चाय कॉफ़ी तो जो लोग कॉफ़ी पीते होंगे वो, बट मैं ना कॉफ़ी पीती हूँ ना मैं चाय पीती हूँ। उसका भी एक रीज़न है मैं बता रही हूँ। रीज़न ये है कि मुझे शुगर है, डायबिटीज़, इसलिए मैं नहीं पीती हूँ। दूसरा मेरे लीवर काफ़ी हद तक मेरा सही नहीं है, इसलिए चाय पीने के लिए डॉक्टर ने मुझे मना किया है। कोई बात नहीं, पर चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, मगर मैं क्या करूँ, मैं चाय पी नहीं सकती हूँ। और आप सब लोग, अभी मैंने देखो नहाया नहीं है और अब मैं नहाने जा रही हूँ। काम करना पड़ता है, बहुत सारा काम हो जाता है। ऐसा नहीं है मैं काम वाली भी लगा, पहले मेरे यहाँ काम वाली लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार काम हम वाली क्या फ़ायदा, जब काम वाली 10 जगह कर सकती है तो क्या हम लोग अपने घर का काम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसलिए मैंने काम वाली नहीं लगाई है। बच्चे भी कहते हैं, हमारे हस्बैंड भी कहते हैं तुम लगा लो काम वाली, लेकिन मैं ही नहीं लगाती हूँ। बस मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे उनका काम ही नहीं पसंद आता है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं वह कैमरे के साथ में, मैंने सब सारा काम कर लिया है। 8:10 हो गया है। देखिए धूप सी निकलने वाली है, निकल आई है काफ़ी। ये हमने देखो साफ़ सफाई करके सब मेरा काम हो गया है, मैंने क्लियर कर दिया। प्रभात जरा लाइट जलाना, अब मैं प्रभात से बोलूँ कि प्रभात लाइट जला दो, तो प्रभात लाइट जलाने के लिए गया है। देख सकते हैं मैं बिल्कुल क्लियर और क्लीन एकदम रखती हूँ। यहाँ की भी लाइट जला दो, तो सारा काम मैं और मैं यही सब सब मैंने यहाँ पर भी देखिए सूट करने के लिए मैंने कपड़े भी निकाल के रख लिए है, नहाना है, स्टैंड को भी रेडी कर दिया है। और अभी एक ही लाइट मैं यहाँ पे जला रही हूँ। हम अभी नहाने जा रहे हैं, नहा के ही आपसे मिलते हैं, नहा के आते हैं, बस इसके बाद आपसे मिल रहे हैं। तब तक के लिए मेरी वीडियो में कंटिन्यू बराबर रहिएगा, खूब प्यार सपोर्ट आप सब लोग दीजिए, ये हमारे डेली ब्लॉग आप में आते रहेंगे बीनू जी मुखिया में। देखिए गाइस मैं नहा के रेडी हूँ, नहा चुकी हूँ, अभी रेडी नहीं हुई हूँ, बस बाथरूम से निकल के अभी बस नहा के आ रही हूँ। तो मैं अब रेडी होके भी आपसे मिलती हूँ, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। जो मैंने फ्राई चावल बनाए हैं छोके, अब मैं उसको खा रही हूँ, तो आप सब लोग पहले खाइए फिर मैं खा लें। बहुत टेस्टी। तो ये ब्लॉग मैं यहीं से एंड कर रही हूँ। आज मेरे फ्राई चावल आप सब लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को खूब लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो देख सकते हैं गाइस मैं नहा धो के कंप्लीट हो गई हूँ और मेरा फाइनल लुक ये है। आज मैंने ये बैंगल पहने हैं और सूट करने के लिए भी मैं रेडी हो गई हूँ आप सब लोग से भी बात करके।
तो बताइएगा ये मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है। मैं किसी से तैयार नहीं होती हूँ, मैं खुद अपने मर्जी से रेडी होती हूँ। तो आप सब लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, क्या अच्छी लग रही हूँ बताइएगा। देखिए मेरे फ्रेंड लोग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं और मैं कैसी दिख रही हूँ। मैं खुद से मेकअप कर ले रही हूँ कि नहीं कर ले रही हूँ ये सब लोग बताइएगा। मैं खुद मेकअप नहीं किए हूँ, जो लोग पार्लर से करवा के आते हैं, बट मुझे वो भी करना आता है। मेरे पास अभी वो सामान नहीं है जो मेकअप करने के लिए होती है, वो किट मेरे पास नहीं है, मुझे लेना है और मैं करवा चौथ तक ले लूँगी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं भी एक बार वैसे ही तैयार हूँ जैसे वो लोग तैयार होती है। तो ज़रूर इस वीडियो में बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। तो फिर आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।